का दौर जो है वो स्क्रीन्स पे ही चल रहा है मोस्टली. स्क्रीन पे एक्सरसाइज हो रही हैं, कैलोरी बर्निंग, एवरीथिंग इज डन ऑन दैट. बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल मैं उस पर नहीं रहता. आई गेट ऑफ मैनुअली, जो जिसे कह लें ओल्ड क्लास पर्सपेक्टिव, बट इट्स अ जेन्युइन वन फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ फेस. तो मुझे वो मेंटेन रखती है. कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, एटलीस्ट लाइट वॉक भी जो है वो बेनिफिशियल होती है हेल्थ के लिए, और वो आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बॉडी की वो डेली बेसिस पे बर्न आउट हो जाती हैं, तो वो अच्छा रहता है. तो हर एक को अपने हिसाब से कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर चुननी चाहिए. तकरीबन 13-14 साल से इस पार्क में रेगुलर आ रहा हूँ वॉक पे. सेकंड टाइम कोई भी एंगेजमेंट हो मैं उसको डेफर कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, के बंदा एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे अगर हेल्थ के लिए दे देता है तो ये आपकी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों तरह से आपकी जो है ना फिटनेस वो बरकरार रहती है. बंदा अगर फर्ज करें दिन को आपने बहुत सब काम किया है, स्ट्रेस में रहे हैं, तो अगर शाम को आप खुली फिज़ा में ऑक्सीजन में अगर एक्सरसाइज करते हैं या वॉक इवन कर लेते हैं तो वो आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है. अदरवाइज़ भी आपकी फ़िटनेस, काम की सलाहियत, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है.